इनेलो नेता अभय चौटाला शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब हुए। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस के राज में सरकारी नौकरियों में भारी धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है और पैसों में नौकरियां बांटी गई है। अभय चौटाला ने पिछले 9 साल में दी गई सभी नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। और उसके सहयोगी मंत्रियों ने उसकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उसके नजदीकियों ने उसके रिश्तेदारों ने चाहे वो नौकरी का मामला था चाहे वो सीएलयू का इश्यू था चाहे सोनिया गांधी को राजी करने के लिए उसके दामाद को बेहद कीमती जमीन कोड़ियों के दाम पे देने की बात थी। मुख्यमंत्री ने भी लूटने और लुटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभय चौटाला ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रिटायरमेंट के बाद अपने चहेते अधिकारियों को दोबारा अहम पद पर बैठा रही है। उन्होंने 31 दिसंबर 2013 को रिटायर हुए पूर्व मुख्य सचिव पी के चौधरी को सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर का पद देने पर भी सवाल उठाया। कर्जा है जहां हालत ये है कि कर्मचारियों की पेंशन और बुढ़ापा पेंशन देने के लिए हर महीने 800 से 900 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। वहां किस तरह से अपने चेते अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो रिटायर्ड हो जाते हैं बजाय उनको रिटायर्ड करने के उनको नए सिरे से एम पद दे दिए जाते हैं। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कई अहम शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों पर पत्थर दिल्ली से सटे जिलों में लगाए गए हैं लेकिन ये आम आदमी की पहुंच से दूर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर इन परियोजनाओं को दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा ताकि आम आदमी को इसका फायदा मिल सके। और ऐसे पद दे दिए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिन पे आप उन व्यक्तियों को लगा नहीं सकते। पीवी राठी को इन्होंने न केवल एडवाइजर लगाया बल्कि उसको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। जबकि कैबिनेट का दर्जा सिर्फ कैबिनेट के मिनिस्टर को दिया जा सकता है। वहीं अभय ने सोनीपत के गांव किलोड़ में खोले जाने वाले आईआईटी में प्रदेश की हिस्सेदारी को लेकर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 4 नई यूनिवर्सिटीज बनाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने अनेक हॉस्पिटल बनाए अनेक मैंने आईआईटी के एक्सटेंशन लेकर गया कैंसर हॉस्पिटल लेकर गया एम्स की सेकंड यूनिट लेकर गया। लोगों को बड़े बड़े पोस्ट देकर के उस पर पैसा खर्च करके गुमराह करना चाहते हैं। इनेलो ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में पिछले 9 साल में दी गई नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसके साथ साथ इनेलो ने हुड्डा सरकार पर रिटायरमेंट के बाद अपने चहेते अधिकारियों को दोबारा अहम पद पर बैठाने का भी आरोप लगाया। इनेलो द्वारा लगाए गए इन आरोपों को कांग्रेस कैसे लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।